कानपुर देहात में एक कोल्ड स्टोरेज मालिक आलू व्यापारी के 5,000 आलू के बोरे डकारा गया, उसे डरा धमका के कोल्ड स्टोरेज से भगा दिया। आलू व्यापारी हैरान परेशान होकर अधिकारियों के चौखटों के चक्कर काट रहा है। पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। अब पुलिस की खामोशी की वजह भी सुन लीजिए। दरअसल कोल्ड स्टोरेज मालिक भाजपा का महामंत्री है। गौरतलब है कि मैं 4 दिन पहले एक किसान ने इसी तरह परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, आपको बता दें पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाता ये शख्स अजमेरी का है। अजमेरी अकबरपुर क्षेत्र का रहने वाला है और अजमेरी आलू का कारोबार करता है और आलू का व्यापार कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता है। आजकल आलू व्यापारी अजमेरी और उसका परिवार भुखमरी की कगार पर है। दरअसल अजमेरी ने अपनी पूरी आलू की फसल पर 5,000 आलू के बोरे रूरा कोल्ड स्टोरेज में रखे थे और इस उम्मीद में था कि आलू के दाम बढ़ने पर वो अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर बेचेगा। लेकिन रूरा कोल्ड स्टोरेज मालिक रामजी गुप्ता की नियत में फितूर आ गया और रामजी गुप्ता ने आलू व्यापारी के अजमेरी के 5,000 आलू के बोरे बेचकर मोटी रकम डकार गया। आलू व्यापारी अजमेरी ने जब कोल्ड स्टोरेज में रखे अपने आलू मांगे तो दबंग कोल्ड स्टोरेज मालिक रामजी गुप्ता ने आलू व्यापारी अजमेरी को मारपीट कर भगा दिया। आलू व्यापारी अजमेरी अब इंसाफ की आस में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। इस बीच आलू व्यापारी अजमेरी को पता चला कि कोल्ड स्टोरेज मालिक रामजी गुप्ता ने आलू व्यापारी अजमेरी पर रूरा थाने में साठ गांठ करके 406 और 506 IPC की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। आलू व्यापारी अजमेरी की सुनने वाला कोई नहीं। बात जब मीडिया के संज्ञान में आई तो पता चला कि रूरा कोल्ड स्टोरेज मालिक रामजी गुप्ता भाजपा का महामंत्री है। तस्वीर एकदम साफ हो गई कि पुलिस क्यों मौन है। गौरतलब है कि इसी तरह की लापरवाही के चलते महज 4 दिन पहले रसूलाबाद में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी और शायद कानपुर देहात पुलिस प्रशासन रसूलाबाद की घटना का एक्शन रिप्ले देखना चाहता है। इंडियन क्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। मोहम्मद अजमेरी लाइन। क्या करते हैं आप? आलू का व्यापार करते हैं। अच्छा, काहे के लिए परेशान है अधिकारी चौकटों के चक्कर काट रहे लगातार? हमारा आलू 5,000 से ज़्यादा रामजी गुप्ता का रूरा कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। जब हमने सोचा कि दाम बढ़ाएंगे जब बेचेंगे, हमारा आलू रामजी गुप्ता ने बेच लिया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये उस समय थी। 5,000 बोरी से ज़्यादा आलू था मेरा और मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी नियत में फतूर होगा, मगर इनकी नियत में खोड़ थी। इन्होंने आलू हमारा बेच लिया। मैं आलू का व्यापार काफ़ी समय से कर रहा हूँ, 2002 से व्यापार कर रहा हूँ। एक बड़े पैमाने में काम करता था मैं। अच्छा, क्या उन्होंने दिया नहीं वापस? आप लेने गए आलू? हाँ, आलू लेने गए। उन्होंने आलू मुझे नहीं दिया। उन्होंने गाली गलौज करके मार पीट करके भगा दिया। भाजपा के नेता भी हैं बड़े वो, और वो उनके आगे कोई बोलता भी नहीं है। और तो क्या पुलिस से शिकायत करी आपने, किसी अधिकारी से शिकायत करी? मैंने SP ऑफिस में अप्लीकेशन दी, 2020 में भी दी थी, इनकी शिकायत की थी, मगर हमारी किसी ने कोई शिकायत नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? दर दर के ठोकरें खाते रहे, चक्कर लगाते रहे। किस लिए? ये भाजपा के नेता बड़े पैसे वाले हैं, इन तो हमारी गरीब आदमी को कौन सुनेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। और मैं भुखमरी के कबारे बच्चे मेरे भूखों मर रहे हैं। हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को दो वक्त की रोटी खिला सकें। तो प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए हैं? प्रशासन से ये उम्मीद लगाएं SP साहब की मुझे न्याय दिलाएंगे। एक अजमेरी आलू व्यापारी है, उसका आरोप है कि उसने रूरा के कोल्ड स्टोरेज 5,000 बोरे आलू रखाए थे, लेकिन जो रूरा कोल्ड स्टोरेज के ओनर है रामजी गुप्ता, उन्होंने ना 5,000 बोरे वापस किए ना ही पैसा वापस किया, बल्कि मारपीट के भगा दिया। वो कप्तान साहब के सामने पेश हुआ, क्या है उसके बारे में? देखिए, अजमेरी नाम के व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि रूरा के कोल्ड स्टोर में उसने 5,000 बोरे रखे थे, आलू के बोरे रखे थे, परंतु कोल्ड स्टोर के मालिक द्वारा उसके पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में जाँच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी।